नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी मुलताई पवित्र नगरी में रविवार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली गोपाल अष्टमी पर्व के अवसर पर नगर के गौ भक्तों ने पूरे नगर की सीमा का भ्रमण कर माँ ताप्ती तट पर गौवंश की विधि विधान से पूजा संपन्न की। रविवार को नगर के गौ भक्त माँ ताप्ती तट से परिक्रमा के लिए निकले और पूरे नगर सीमा की परिक्रमा करते हुए पुनः माँ ताप्ती परिक्रमा मार्ग पर पहुंचे, जहाँ गौ भक्तों ने मिलकर गौ माता को उसकी पसंद का भोजन कराया और विधि विधान से पूजा कर आरती की। इस संदर्भ में जगदीश मंदिर के पंडित अशोक शर्मा ने बताया कि इस पर्व पर नगर सीमा की परिक्रमा लगाई जाती है, जिसका उद्देश्य नगर में जितनी भी गौ माता हैं उनकी परिक्रमा करना है। उन्होंने बताया कि आज से ही भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था, जिसके चलते वह गोपाल बने थे। आज महिला और पुरुषों द्वारा यात्रा निकाली गई, ये किस विषय में निकाली गई थी? ये कार्तिक मास के पावन पर्व शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसमें नगर परिक्रमा की जाती है, नगर के चारों तरफ की सीमा की परिक्रमा करते हैं, जिससे कि गाय गौ माता जो है अपने नगर में जो रहने वाली है सभी की परिक्रमा हो, सबका पूजन हो। आज से ही भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना आरंभ किया था, आज के दिन वो गोपाल बने थे, इसलिए इसको गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और गाय के पूजन करने का बड़ा महत्व है और उससे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलती है? माँ ताप्ती तट से प्रारंभ करके फॉरेस्ट ग्राउंड होते हुए उप जेल के पास से और मासूद बाईपास टाँके से होते हुए माल गोदाम स्टेशन चौक से होते हुए वापस माँ ताप्ती के किनारे आती है। इतना पूरा परिक्रमा इसका होता है। इसमें किस तरह की पूजा पाठ की जाती है? इसमें गाय को जो उनके पसंद का चारा खिलाया जाता है, खल्ली खिलाई जाती है, गाय की पूजा करके उनकी आरती की जाती है और गायों को प्रणाम किया जाता है। किसी प्रकार से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। आज फल पत्ती तोड़ना सभी प्रकार से निषेध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलताई से समय जगत के लिए अनीश नायर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.